पगाओ बने से पोतिन काट दीवा क्या पेट को बड़े वांगो अब मतलब वो डागी मारी है देज भाया बने के गुंडे हमारे घर तक आते हैं मतलब टॉर्चर करना चाहते हैं डराना चाहते हैं धमकाना चाहते हैं 29-29-33,000 रुपया गाड़ियां चलाने का टला रहे हैं ड्राइवर आदमी मरगो के लास्ट स्टेज वो होगा कि आने फांसी आगे मारना पड़ेगा प्लेंटी पे प्लेंटी जोड़ रखी है धमकी दी है और की है। राम राम साहब मैं मनोज और थे देख रहे हो जिलको चूरू फिलहाल सर चूरू की सड़क पर खड़े हूँ और कलेक्टर साहब ने ज्ञापन है एक देश गयो है जिका चालक है ड्राइवर है वहाँ द्वारा मांग है कि बातचीत करके देखांगा मैं पहले चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करियो साथ ही साथ बेल बटन भी दबा लियो ताकि आगे जो वीडियो है नोटिफिकेशन थाने मिलता रहे कौन सी मांगा ले गया आज ज्ञापन है जी को देश गया कौन सी समस्या है जी लॉकडाउन में आ रही है सर जी हम लोगों ने राजस्थान टैक्सी यूनियन कल्याण समिति चूरू टैक्सी स्टैंड की तरफ से आज माननीय श्रीमान अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री साहब को माननीय श्री कलेक्टर महोदय के माध्यम से ज्ञापन दिया है कि जो आम आदमी है आम आदमी तक तो हर प्रकार की सहायता सरकार जो है गवर्नमेंट जो है पहुंचा पा रही है लेकिन वर्तमान के अंदर हम टैक्सी चालक और मालिकों की तरफ किसी का भी ध्यान नहीं है हम लोग ये इनका गवर्नमेंट का जो है ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं क्योंकि हमारे जो मालिक चालक भाई हैं उन लोगों को बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है जिसके अंतर्गत कि एक तो सबसे बड़ी है कि जो फाइनेंस कंपनियाँ हैं उनके यानी फाइनेंस कंपनियों के द्वारा हमारे ड्राइवरों को और मालिकों को परेशान किया जा रहा है बार बार अब सभी को विदित है कि गत 1.5 वर्ष से कोरोना काल चल रहा है जिसकी वजह से हमारा जो काम है पूर्णतः बाधित है जिसकी वजह से हम समय पर किस्तें जमा नहीं करवा पा रहे हैं हमारी गाड़ियों की 6 से 10 किस्तें प्रत्येक गाड़ी की जो है वो पेंडिंग चल रही है अब हम लोगों ने बार बार फाइनेंस कंपनियों को कह दिया कि सर कहाँ से देंगे हम पैसे हमारे पास कोई आय का स्रोत नहीं है अब पैसे देने के लिए हमारे पास कोई साधन नहीं है लेकिन वो लोग नहीं मानते हैं उनके गुंडे हमारे घर तक आते हैं हमारे घर वालों तक को भी वो मतलब टॉर्चर करना चाहते हैं डराना चाहते हैं धमकाना चाहते हैं एक बात तो ये है कि हम गहलोत साहब के माध्यम से मुख्यमंत्री साहब के माध्यम से हम आम जनता तक हमारी अपील पहुँचाना चाहते हैं सरकार तक कि कैसे भी करके इन किस्तों को मॉरिटोरियम के द्वारा आगे 6 महीने तक इनको क्या कर दिया पोस्टपोन कर दिया जाए ताकि हम लोगों को कुछ राहत मिल सके और इसके बाद में दूसरी बात जिस तरह से दिल्ली सरकार के द्वारा हर एक प्रत्येक ड्राइवर को 5,000 रुपये प्रतिमाह मानदेय जो है वो निर्धारित किया गया जब तक कोरोना काल चलता है तो हम लोगों का एक ये मांग भी है हमारी कि वो जो दिल्ली सरकार की तर्ज के ऊपर हमें भी कुछ ना कुछ निर्धारित मानदेय हमारा भी स्थापित किया जाए और इसके बाद में हमारे जो डॉक्यूमेंट हैं जैसे इंश्योरेंस है फिटनेस है पॉल्यूशन है ये सभी डॉक्यूमेंट्स जो हैं इनकी जो वैधता है उसको समय के अनुसार बढ़ाया जाए और अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो हमारे जो ड्राइवर भाई हैं वो भूख मरेंगे उनकी ऐसी स्थिति आ चुकी है कि आज उनको सड़क के ऊपर आना पड़ रहा है मजदूरी करने के लिए जाना चाहते हैं लेकिन मजदूरी का काम भी उनसे नहीं होता है कईयों को मैंने देखा है जो कि बेचारे ट्रकों के साथ जाते हैं ईंटों की गाड़ियाँ पत्थरों की गाड़ियाँ खाली करते हैं बजरी की गाड़ियाँ खाली करते हैं लेकिन उन पर मतलब वो काम नहीं हो पा रहा क्योंकि उन्होंने सिर्फ की ड्राइविंग है और उस क्षेत्र के अंदर उनको कोई जानता भी नहीं है तो हमारा यही निवेदन है मुख्यमंत्री साहब से कि हमारे ड्राइवर मालिक चालक भाइयों को कुछ ना कुछ राहत प्रदान की जाए ये टाइप की समस्या है जी क्या लगी है आपने रोजगार ने लेकर समस्या सारी समस्या है समस्या साहब अब आज आम जन आदमी है जिसको परेशान हो रहे है ड्राइवर है जो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहे क्योंकि एक मजदूर आदमी तो मजदूरी तो कर लेगा ड्राइवर ककन तो भी ककन बेचारा कन गाड़ी को एक साधन है भी साधन है गवर्नमेंट चालन कौन दे रही जठे भी जावा बैठे तरह तरह से जो ट्रैफिक आ रहा है वह भी परेशान कर रहा है बी के अलावा साथ चालना को कोई साधन ही को नहीं बॉर्डर सीज कर रखे है तो अब मजदूर आदमी जो ड्राइवर आदमी है वो ड्राइवर आदमी मरगो के बी के लिए कोई तो कोई राहत सामग्री कोई तो यहाँ को कुछ कानून होना चाहिए ना कि जी के तहत भी ने कुछ राहत मिले इन्हें तो मालिक परेशान करे इन्हें फाइनेंस परेशान करे इन्हें वाक्या करे के गवर्नमेंट परेशान करने लग रही है तो आखिर लास्ट स्टेज वो होगा कि आने फांसी आगे मरना पड़ेगा अब इसके अलावा और कोई साधन हाथ को नहीं दिल्ली गवर्नमेंट जब दे रही है जब के राजस्थान गवर्नमेंट कौन दे सके तो राजस्थान गवर्नमेंट ने भी ड्राइवरों की मदद करनी चाहिए और जट तक उसका जट तक एक दूसरे की हेल्प करे तो भगवान बाकी भी हेल्प करेगा ये टाइप की उम्मीद है सरकारों लगा रखी हो मैं कलेक्टर साहब से और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब से आई उम्मीद करा कि माने कुछ और राहत दी जाए और दूसरी बात कम से कम माने गाड़ियों की परमिशन तो दी जाए कि थे एक स्टेट से दूसरे स्टेट एक जिला से दूसरे जिले जाओ थे अब लॉकडाउन के अंदर माने बताया गई है नई गाइडलाइन अभी के अकॉर्डिंग बताया गया कि टैक्सी गाड़ी थी लेके जा सको लेकिन फिर भी मैं अगर गाड़ी कटा लेके जाऊँ हमारी गाड़ियाँ रोकी जाए परेशान करी जाए तो कुछ तो माना ये चलान काटी जाए 29-29-33,000 रुपया गाड़ियाँ चलान काट ला रहे हैं एक तो आम आदमी कोई घर से बाहर ही निकल जाए जो आदमी निकल रहे हैं अगर मैं टैक्सी गाड़ियाँ हमारे लेके निकला तो वहाँ आगे जाके प्रशासन परेशान कर रही है हमारी देखो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब से बहुत हाथ जोड़ की विनती है कि हमारे कुछ मारो समाधान जरूर करी जाए पेट्रोल 100 पार किराए साइड बढ़ाए को नहीं होगा अभी एक समस्या है नहीं सर मारा तो वही किराया है तेल बढ़ रही है
कोई किराए में बा कोनी बढ़ोतरी हो रही, कुछ भी कोनी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। साठ साठ हज़ार हमारा प्लेंटी चढ़ा रखी है। अगर फ़ोन आवा डेली धमकी दिए बोल किस जमा कराओ, पर डे का 250 रुपया प्लेंटी है हमारा। चूरू का महिला थाने में जो परिवार है जी को दी गयो है, दहेज का आरोप लगाया गया है और मारपीट का भी मामला दर्ज हो गया। मारे पप्पा ने मारे, मम्मी ने मारे, धक्का मारे, काट दिया सगड़ा घर का, मारी सासुर आप है, ससुरो है, सासू है, ननद है, दो देवर है, एक दो रानी। के बात ने ले मारपीट करे? दहेज ने ले के आज ग्राउंड काट दिया। मान पहले भी मारपीट करे डी है? ढड रेडी है, 13 साल पहले शादी करी, बटाऊ मारपीट करे, अरे सगड़ा घर का लगा के मारा कुटाई करे, मन बुलाए तो मन भी दोनों ने मारी है। आज बात आई हुई का माने दिन के फोन करके बुला लिया, हरी बेटी ने ले जाओ नहीं फांसी खा के मरे, हरी बेटी ने ले जाओ फांसी का कोदड़ो करके मरे, भाग गए, कोई भागी को नहीं, कोई हाथ को नहीं, बिना मार कूट के बैठा दी स्वाद दी बेड पर, और बस माने बुला लिया, माने बुला कर बनवा मारिया। हाँ सर, मारपीट की बात ने लेकर देज ने लेकर देज भागा माने बस ही खत मारपीट करे, छोर अंदर रख लियो, छोरी तो रोके आ गई पर छोर अंदर रख लियो, जबरदस्ती रखी है। पहली भी करता है मार भी। सदा से 13 साल से भाई यही करता है, एक करो कैबर मीटिंग कर करके गाल दी, मीटिंग करता करता दाप लिया के आखिर करना का के करना यही तो पहले यही गाड़ी करके तीन चार बार मिल गया है। अब मना आप ही केवल गाड़ी करके ले जाओ, थाने बेटी की जरूरत है तो मान तो जरूरत पड़े बेटी खाता जाऊँ ही, फिर तो बड़ा ही मायता हूँ। और कल मेरी एक दर्शक है वहाँ फोन आयो हो महिला ही के लगातार ग्राफ है जी को महिला को प्रताड़ना बढ़ रहा है, सब बड़ी समस्या है जी की राजस्थान के केस का या चूरू केस का पा आई है के महिला है जी की बोलनों भी डरे है। फिलहाल मामलो है जी को चूरू का महीना थाने में है, परिवार दर्ज करियो है और एक बाद में जांच है जी का पुलिस प्रशासन शुरू कर देगा। थे वीडियो पर केस हो तो जरूर कमेंट कर उसके द्वारा बताओगा, वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है ताकि न्याय मिल सके।